हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज वीडियो इज अबाउट रेक्टिफायर एंड इसके मैं दो पार्ट में वीडियोस डिवाइड कर रही हूँ बिकॉज वी हैव टू स्टडी टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स जिसकी वर्किंग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। सो आई हैव डिवाइडेड इनटू पार्ट वन एंड पार्ट टू। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज रेक्टिफायर बेसिक प्रिंसिपल एंड वन ऑफ द टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स। ओके, तो रेक्टिफायर का आज जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। एजेंडा आपके सामने, जैसा मैंने बताया, तो इंडिविजुअल वर्किंग मैंने यहाँ पर लिखा है बिकॉज इस वीडियो में मैं एक ही टाइप की वर्किंग का आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी, पूरा फीचर्स बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है, यूजिंग अ पीएन जंक्शन डायोड। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेवेंट कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है, दे नो व्हाट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। इफ नॉट, देयर इज अ वीडियो दैट आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड वॉच इट। आपको ब्रीफली अगर कोई आइडिया नहीं है डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो अटैच करके दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा। फॉर दोज हु नो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम हियर। पीएन जंक्शन डायोड की मदद से हम एक डिवाइस का या एक सर्किट बनाते हैं जिसको हम डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये डिवाइस का काम बेसिकली ये है कि हमें अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करना। क्लियर? यहाँ पर हमारा जैसे डायोड का वर्किंग हमें पता है कि डायोड के वर्किंग में हमें यूनिडायरेक्शनल करंट मिलता है, यानी कि एक साइड से या एक डायरेक्शन का करंट ये अलाउ करता है और दूसरे डायरेक्शन के करंट को ये हिंडर करता है, दूसरे डायरेक्शन के करंट को ये पास नहीं होने देता। तो उसको हम इस पूरे प्रोसेस को, जहां पर एसी टू डीसी कन्वर्जन हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? ये आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन हुआ रेक्टिफायर। ना, रेक्टिफायर से पहले एसी और डीसी का कुछ फीचर मैं आपके सामने रख रही हूँ, बहुत सारे नहीं, जो बेसिक फीचर हमें जाना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग रेक्टिफायर। तो अल्टरनेटिंग करंट या एसी जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल पे अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, अपनी वैल्यूज को चेंज करता है, जैसे कि साइनोसोडियल वेवफॉर्म। तो साइनोसोडियल वेवफॉर्म जो होता है, सिमिलर वेवफॉर्म आपको एसी साइकिल में मिलता है या अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज में मिलता है, जहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल है, जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो या डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं इन द सेम साइकिल। यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ योर करंट और वोल्टेज एंड द डिक्रीमेंट ऑफ करंट और वोल्टेज ऑल्सो। क्लियर? तो हर एक पॉइंट पर, हर एक टाइम इंटरवल पर वैल्यू चेंज होती है और ये वैल्यू बाई डायरेक्शनल हमें दिख रही है, यानी कि एक्सिस अगर हम माने तो एक्सिस के ऊपर एक वेवफॉर्म है, एक्सिस के नीचे एक वेवफॉर्म है। ये बेसिक फीचर है आपके अल्टरनेटिंग करंट का। इसके ठीक ऑपोजिट आपका डायरेक्ट करंट क्या करता है, वो यूनि डायरेक्शन फ्लो देता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हमारा फ्लो रहेगा, पीरियोडिकली जो है वो चेंज नहीं करता है उसका वैल्यू, और स्टेडी वोल्टेज या स्टेडी करंट हम जिसको कहते हैं वो हमें प्रोवाइड होता है डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में। जब हम डीसी के साथ डील कर रहे हैं तब हमें दो फीचर्स एसी के नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कंटिन्यूअस चेंज इन द वैल्यू एंड द कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये दो चीजें हमें हटानी है। तो जब हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन बदलते हैं, यानी कि एसी टू डीसी कन्वर्जन का पार्ट वन वर्जन है बेसिक प्रिंसिपल दैट वी हैव टू कन्वर्ट द बाई डायरेक्शनल करंट इनटू अ यूनि डायरेक्शन करंट, जो कि डायोड ऑलरेडी कर रहा है। जो एसी फॉर्म है जहां पर पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हाफ में अगर चेंज कर रहे हैं, दैट विल गिव अस अ यूनि डायरेक्शन करंट विच इज वन ऑफ द फीचर ऑफ आर डीसी वोल्टेज और डीसी करंट। क्लियर? नाउ इसी बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो क्लासिफिकेशन आपका एक कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड वर्ड का मतलब यही है कि हमें जितना प्रिडिक्शन करना है, मतलब थियोरेटिकली जैसा हमने डिजाइन किया था सर्किट को उस हिसाब से जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो आया है। अनकंट्रोल्ड यानी कि मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, वो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसमें ऐसे कुछ चेंजेस हैं
which is uncontrollable by the designer or by the user. ठीक है, दोनों के ही टाइप होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। यानी कि कंट्रोल के अंडर भी क्लासिफिकेशन जो हो रहा है वो हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का है, और अनकंट्रोल्ड के भी अंदर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो हाफ वेव और फुल वेव हो रहा है। तो इस वीडियो में आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग समझेंगे पूरा डिटेल में। हाउ एग्जैक्टली हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिजाइंड, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, और इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल फोकस ऑन फुल वेव रेक्टिफायर, जो दोनों टाइप आपको दिख रहे हैं, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, दोनों हम डिस्कस कर लेंगे। इफ समथिंग इज नॉट इन योर सिलेबस प्लीज स्किप इट ऑन योर ओन। ओके, नाउ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर का बेसिक्स ये है, हाफ वेव वेव फॉर्म जो हम दे रहे हैं इनपुट का, वो अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइडेड है। जो हमें यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, इसमें से एक ही हाफ साइकिल हमारे पास आउटपुट में आता है, विच इज जनरली द पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि हम उसी फॉर्मेट में लेते हैं। इसमें समझना ज्यादा आसान होता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव हाफ में जा नहीं सकता है, बट क्योंकि समझ में ज्यादा अच्छे से आता है बिकॉज ऑफ दैट हम पॉजिटिव हाफ ही ले रहे हैं। तो अगेन पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ के वेवफॉर्म को हमने चेंज किया सिर्फ पॉजिटिव हाफ के साइकिल में। अब यहाँ देखिए आपका जो नेगेटिव हाफ साइकिल था वो कम्प्लीटली गायब हो गया, यानी कि जीरो वैल्यू पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि नेगेटिव हाफ में जो भी वैल्यू थी वो सारी हट गई। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ ही रिप्रेजेंट हो रहा है आउटपुट वेवफॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये इनपुट के हाफ वेव फॉर्म को अलाउ कर रहा है और बाकी हाफ वेव फॉर्म को कम्प्लीटली ब्लॉक आउट कर रहा है। क्लियर? इसमें हमें सिंपली एक डायोड की ही जरूरत पड़ती है, हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सम पीपल यूज ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर यूज करना भी चाहिए क्योंकि आइडियली जो आपका एसी वोल्टेज है दैट इज वेरी हाई कंपेयर टू द डीसी वोल्टेज। जैसे यूजुअली जनरल लैंग्वेज में काफी सारे लोग ये कहते भी हैं कि हाई वोल्टेज का मतलब डीसी एसी वोल्टेज हो गया, लो वोल्टेज का मतलब डीसी वोल्टेज हो गया। तो आपका जो एसी का वोल्टेज है जब वो डायोड में जाएगा दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द डायोड, तो डायरेक्टली हम उसमें नहीं डाल सकते। बिकॉज ऑफ दैट हम यूजिंग अ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हुए जो हमारा एसी वेवफॉर्म है या एसी वोल्टेज है उसको रिड्यूस करते हैं इस लेवल तक कि वो हमारे डायोड को डैमेज ना करे, और उसके बाद फिर हमारा रेक्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। So if there is a transformer used in half-wave rectifier, the purpose of that transformer is to protect the diode from high voltage AC in the input side. Input side में हमारे पास जो AC आ रहा है, voltage आ रहा है, current आ रहा है, वो बहुत high है हमारे diode के लिए, तो हम इसको reduce कर देते हैं with the help of step down transformer, and then the process of rectification starts using a diode. Am I clear? Now, half wave rectifier कैसे work करता है? ये थ्रू अ डायग्राम मैं आपको समझाती हूँ। ये समझने में इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके मेरी बात को सुनिए। Now, as we can see, we have positive half cycle and negative half cycle. ठीक है? तो हमारे पास first half cycle जब जा रहा है, तो ये portion मेरा positive है, ये portion मेरा negative। यानी कि इस direction में positive टर्मिनल कनेक्टेड है टू द पी साइड ऑफ द डायोड। पी साइड ऑफ डायोड में उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने डायोड पढ़ा। ठीक है, तो पी साइड का डायोड जो है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव हाफ से, यानी कि तो टर्मिनल ऑफ इफ वी कंसीडर द बैटरी और द इनपुट, तो वो पॉजिटिव हाफ से कनेक्टेड है और नेगेटिव हाफ एन साइड से कनेक्टेड है। क्लियर? ये आपका होता है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉर दोस हु नो द वर्किंग ऑफ डायोड, forward biasing is the active region in which the diode actually works. Here, तो यहाँ पर आपको maximum voltage मिल रहा है, यानी कि जैसा आपका input आएगा, as it is, आपको rectifier output निकाल के दे देगा। और output निकल कहाँ से रहा है? तो output निकल रहा है RL, that is our one match. RL जो है, that is our load resistor. लोड रेजिस्टर यानी कि वो कंपोनेंट जिसको रेक्टिफाइड आउटपुट चाहिए,
जो एसी वेव फॉर्म आपका है उससे रेक्टिफाइड फॉर्म का जो आपका ये रेक्टिफाइड करंट या वोल्टेज जिनको चाहिए उस कंपोनेंट को हम लोड रेजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो फॉर्मेट है ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। नाउ इफ यू लुक इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल जो है जब जाएगा तो ये जो पॉजिटिव था ये माइनस, यानी कि नेगेटिव हाफ आपका पी साइड से कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव हाफ आपका एन साइड से कनेक्ट हो गया। फॉर दोज हु नो द वर्किंग ऑफ डायोड, अगेन ये आपका रिवर्स बायस कंडीशन है जिसमें वोल्टेज या करंट सप्लाई नहीं जाता है आगे, यानी कि इसके आगे आपको लीकेज करंट मिलेगा विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ करंट फॉर द लोड रेजिस्टर। लोड रेजिस्टर के लिए वो करंट कंसिडर नहीं होगा, दैट्स व्हाई इन द नेगेटिव रीजन वी हैव जीरो वेव फॉर्म प्रेजेंटेड इन द आउटपुट रीजन। आउटपुट रीजन में हमें क्या मिल रहा है, जीरो वेव फॉर्म मिल रहा है। तो इसी चीज को जो है हम रेक्टिफिकेशन कह रहे हैं। नाउ दिस सर्किट इज विदाउट द ट्रांसफार्मर, बिना ट्रांसफार्मर के हमारा ये बेसिक वर्किंग है, मतलब जिस लॉजिक पे आपका ये डिवाइस वर्क कर रहा है ये लॉजिक सिंपल यही है कि ये हमारा पी साइड है और ये हमारा एन साइड है ऑफ द डायोड। तो पी साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, दैट विल गिव अस फॉरवर्ड बायसिंग एंड द आउटपुट विल बी एज इट इज द इनपुट वेव फॉर्म। ठीक है, इफ द पी साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस रिप्रेजेंट्स रिवर्स बायसिंग एंड इन रिवर्स बायसिंग देयर इज नो करंट एक्नॉलेज्ड बाय द लोड रेजिस्टर, दैट्स व्हाई वी गेट जीरो वोल्टेज और जीरो करंट इन द आउटपुट वेव फॉर्म, नो साइकिल इन द नेगेटिव हाफ। तो ये आपका हाफ या पार्शियली रेक्टिफाइड सिग्नल वेव फॉर्म आपको मिल गया। क्लियर, आई होप आई वॉज क्लियर। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार जाके रीड कर सकते हैं, जहां से भी आप कंटेंट पढ़ते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बट डायग्राम के थ्रू आई थिंक आप समझ चुके हैं ज्यादा। लेट्स मूव ऑन टू द वन विद ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्किंग आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रांसफार्मर में आपका एक प्राइमरी कॉइल होता है, दिस वन इज योर प्राइमरी कॉइल एंड दिस वन इज योर सेकेंडरी कॉइल, ये आपका सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, प्राइमरी कॉइल से बिना किसी डायरेक्ट कनेक्शन के सेकेंडरी कॉइल में थ्रू द फॉर्मेट ऑफ इंडक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, प्राइमरी कॉइल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट जनरेट होता है। नाउ सिंस इट इज जनरेशन, दैट मींस इनडायरेक्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, तो जितना अमाउंट में आपका इनपुट में जा रहा है उतना अमाउंट में आउटपुट में नहीं मिलेगा, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी जाते जाते कुछ अमाउंट ऑफ करंट या वोल्टेज का लॉस हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, इसीलिए इसको स्टेप डाउन कहते हैं, यानी कि जिस तरह से आया था उससे एक स्टेप डाउन हो गया आउटपुट में यानी सेकेंडरी में। क्लियर, तो यहां से आपका जो इनपुट जाएगा, अगेन लेट मी एक्सप्लेन, तो अगर आपका पावर सप्लाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इस फॉर्मेट में आपका, लेट्स नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये साइकिल जैसा भी रहे हमें डायोड से मतलब है। तो डायोड देखिए यहाँ पर हमारे पास अभी भी एक ही है, ठीक है, वी आर स्टिल यूजिंग ओनली वन डायोड। तो एक डायरेक्शन में जब हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो ये अगर पॉजिटिव रहा, ये ट्रांसफार्मर का एक ही वर्किंग है कि यहाँ पर अगर वी वन था तो यहाँ पर जो वी टू रहेगा दैट विल बी लेसर देन वी वन, सो वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, तो वी टू जो रिड्यूस्ड वोल्टेज है वो हमारे डायोड पे मिलेगा। क्लियर, तो अगेन ये अगर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव तो डायोड मेरा फॉरवर्ड बायसिंग, तो लोड करंट या लोड वोल्टेज ये मेरे लोड रेजिस्टर को एज इट इज मिल जाएगा जैसा सेकेंडरी कॉइल से आया है। वी टू के हिसाब से आपका आर एल यानी कि लोड रेजिस्टर में वोल्टेज मिलेगा, वी वन के हिसाब से नहीं मिलेगा। वी वन इज अ वेरी हाई वोल्टेज दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू वी टू ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफार्मर ने ट्रांसफॉर्म किया प्राइमरी टू सेकेंडरी में, इसकी वजह से आपका जो वोल्टेज है वी टू वो कम हो गया।
तो V2 के हिसाब से आपका लोड रेजिस्टर में वोल्टेज मिलेगा। क्लियर? अगेन ऑपोजिट टू दैट, अगर हम कहें तो V2 मेरा जब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब सेकेंड हाफ साइकिल चलेगा तो ये रिवर्स में जा रहा है, तो देयर विल बी नो करंट और नो वोल्टेज अक्रॉस दी लोड रेजिस्टर। एम आई क्लियर? बेसिक्स ऑफ वर्किंग है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। वेवफॉर्म जो आपको मिल रहा है वो सेम मिल रहा है जो प्रीवियस डायग्राम में आपने देखा। ठीक है, आपका जो वेवफॉर्म है दिस कंसिस्ट ऑफ साइनोसोडियल वेवफॉर्म इन द इनपुट साइड, ये आपका इनपुट है और आपको आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिलेगा। क्लियर? ये आपका आउटपुट है हाफ वेव फॉर्म हाफ वेव रेक्टिफायर। श्योर? आई होप मैंने आपको सब चीज समझा दी है। बिफोर दिस एंड्स अगेन आई वांट टू टेल, दिस इज ओनली पार्ट वन ऑफ द रेक्टिफायर वीडियो। पार्ट टू में आपको फुल वेव फॉर्म रेक्टिफायर के बारे में भी बताया जाएगा, और वो चीज के लिए अगर इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर और इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द वर्किंग ऑफ डायोड, लेट मी गिव यू लाइक ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन गो टू दैट लिंक एंड गेट द नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ डायोड। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो फॉर टुडे राइट नाउ, एंड नेक्स्ट वीडियो में आप फुल वेव फॉर्म फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे।